धरती बराबर चाहे है जे आसमान बराबर ऊंची है जे दोनों पढ़ाई बढ़ जे। हे फ्रेंड्स, आज 15 जुलाई है, आज हरेले का दिन है। देखिए आज हरेला गोड़ते हैं, हरेले को देखेंगे। ये देखिए हमारा हरेला आज पूरे 9 दिन हो गए हैं इसको बोए हुए। दोस्तों ये देखिए, ये हो रहा है फर्स्ट क्लास हरेला, जो इन दो टोकरियों में बोया था ये आज से 9 दिन पहले। तो अभी होता क्या है कि अभी इसको पहले बांधेंगे, जैसे फॉर्मेलिटी होती है इसको बांधते हैं ऐसे, और उसके बाद ये चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। तो चलिए पहले इसको बांध लेते हैं, ये पहले इसकी पूजा करते हैं। ये देखिए टीका लगाया, चावल चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया, अब इसको गोड़ेंगे। दोस्तों तो बेसिकली जो गांव में करते हैं तब तो उनका पूरा वो औजार होता है, कुटाव बोलते हैं उसको हमारे पहाड़ी में, कुटाव ताव, तो उससे करते हैं। अभी ये लकड़ी का बना रखा है करने के लिए, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। तो ये कर रहे हैं, गोड़ रहे हैं इसको, आज गुड़ाई होती है इसकी और कल इसकी कटाई होगी। तो ये हो गई फॉर्मेलिटी गोड़ने की। अब इसमें पानी चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाते हैं इस पे। टीका लगा दिया, अब धूप धूप दिखा रहे हैं, धूप। बेसिकली पूजा की जाती है इसकी पहले, उसके बाद इस पे प्रसाद चढ़ाएंगे। ये छौ, ये छौ बोलते हैं पहाड़ी में, छौ। ये बनाया जाता है मक्के का, जो मक्के के दाने होते हैं उनको उसको पीस के या मक्के के आटे का बनाते हैं। तो ये इसको प्रसाद छुआ दिया, प्रसाद चढ़ा दिया ये। तो कुल मिला के ये, तो कुल मिला के कल इसको काटेंगे। तो उस एक दिन पहले की ये फॉर्मेलिटी होती है, इसको गोड़ते हैं और पूजा करते हैं इसकी, इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं। आज की फॉर्मेलिटी, कल 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो कल इसकी कटाई होगी और फिर पूजा होती है, भगवान को चढ़ाते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं, वो कल हम बताएंगे आपको, कल फिर वीडियो डालेंगे। करेला काट लिया है और ये घर के छोटे बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। ये सृष्टि की बारी, सृष्टि को टीका लगा दिया है। इसके बाद आएगी मितेश की बारी, ये मितेश टीका लगवाओ, ये मितेश ने टीका लगवाया। चलो टीका हो गया, अब इसके बाद हम मनाएंगे हरेला। ये हमारी मिताली, मिताली को ऑलरेडी टीका लगा दिया, नहीं अब लग रहा है मिताली को टीका। ये मेरे छोटे भाई की गुड़िया है मिताली, ये जीते लो, ये अब हम हरेला, ये इसमें ऐसा ही होता है हरेले में, घर के बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मितेश की बारी, धरती बराबर पहुंचो, दादी के पहुंचो। ये बच्ची घबरा रही है।